हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे नाउन में पांचवें पार्ट की और बात करेंगे नंबर ऑफ नाउन की। स्टूडेंट्स, पहले की क्लासों में आपने नाउन की डेफिनेशंस, नाउन के टाइप्स, केस ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन को पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम नंबर ऑफ नाउन की बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ नाउन क्या होता है, किस टाइप से इससे क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी बात अपने आज यहाँ करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन की बात करें स्टूडेंट्स, तो नाउन के दो नंबर होते हैं। नाउन के कितने नंबर होते हैं? दो नंबर। एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो एकवचन और बहुवचन, नाउन के नंबर की बात करेंगे तो एकवचन और बहुवचन ये नाउन के दो नंबर होते हैं। अब आप सबको पता है कि एकवचन बहुवचन क्या होता है। एकवचन का मतलब, जैसे अपने एग्जाम्पल देखें, बॉय, बॉय एकवचन है, सिंगुलर है। और जब अपने इसका प्लूरल बनाएंगे बॉयज, तो ये हो जाएगा प्लूरल। इसी तरह अगर हम लिखें गर्ल, गर्ल सिंगुलर है, और जब अपने प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? गर्ल्स। लेकिन नंबर ऑफ नाउन में ये आप देख रहे हो, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ये तो बहुत इजी बातें हैं, आसान हैं। लेकिन अगर हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना आसान नहीं पूछा जाता हमसे। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के सिंगुलर और प्लूरल नाउन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, इसकी अपने बात यहाँ करेंगे। तो अपने को नंबर ऑफ नाउन के तहत कुछ रूल्स पढ़ने हैं दोस्तों। जैसे कि पहले रूल की बात करते हैं। पहला रूल ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ अलग अलग होता है। तो अपने रूल वाइज सभी रूल्स मैं आपको लिखाऊंगा, समझाऊंगा। आप चाहे तो साथ साथ नोट कर ले, या बाद में वीडियो को देखकर आप नोट कर सकते हैं। रूल हमारा फर्स्ट ये कहता है कि कुछ नाउन्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को फायदा हो, कि हमारा पहला रूल ये है कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर में अर्थ अलग होता है, सिंगुलर व प्लूरल, सिंगुलर व प्लूरल में अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मतलब कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर में तो अर्थ अलग होता है और प्लूरल में अर्थ अलग होता है। जैसे यहाँ बॉय को देखा जाए तो लड़का, बॉयज, लड़के, यहाँ तो सेम ही अर्थ है कि है, अर्थ इस नाउन का अर्थ लड़का है तो ये लड़के हो गए, सेम ही है। गर्ल लड़की है, गर्ल्स लड़कियां हैं। लेकिन अब हम यहाँ इस रूल के तहत ऐसी बात करने वाले हैं, ऐसी नाउन्स की बात करने वाले हैं जिनका सिंगुलर में तो अर्थ कुछ और होता है और प्लूरल में अर्थ कुछ और होता है। जैसे यहाँ पर ऐसी नाउन्स की कुछ अपने लिस्ट बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर बात करें पहले सिंगुलर नाउन की, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे सिंगुलर नाउन है वाटर, WATER। दोस्तों आप सबको पता है कि इसका अर्थ होता है पानी, वाटर माने पानी। लेकिन आप इसका जब प्लूरल बनाते हो वाटर्स, तो इसका अर्थ बदल जाता है, इसका अर्थ हो जाता है समुद्र, तब इसका अर्थ हो जाता है समुद्र। इसी तरह एयर, एयर माने होता है आप सबको पता है हवा। जैसे ही आप इसका प्लूरल बनाएंगे एयर्स, तो इसका अर्थ होता है दिखावटी, इसका अर्थ होता है दिखावटी, या इसका अर्थ होता है झूठा घमंड, झूठा घमंड, इसको हम बोलते हैं एयर्स। और इसी तरह आयरन, आयरन क्या होता है? आयरन का अर्थ होता है लोहा, आयरन लोहा होता है। लेकिन जब अपने इसका प्लूरल बनाएंगे आयरन्स, तो इसका अर्थ होता है हथकड़ी।
इसका अर्थ होता है जंजीरें, इसका अर्थ होता है बेड़ियां, आयरन्स का अर्थ होता है। ओके, इसी तरह एडवाइस, ADVICE। एडवाइस क्या होती है दोस्तों? एडवाइस होती है सलाह, लेकिन अपने जब इसका प्लूरल बनाएंगे एडवाइसीज, तो इसका अर्थ हो जाएगा सूचनाएं, इसका अर्थ हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, एडवाइसिस। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एडवाइस एक तो ये होता है ADVICE, दोस्तों ये नाउन है, एडवाइस ये नाउन है, लेकिन एक एडवाइस ये भी होता है ADVISE, ये वर्ब होता है। याद रखना ये जो एडवाइस है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ADVICED इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि नाउन को अपने ED के साथ, मतलब नाउन की कोई फॉर्म नहीं होती है, वर्ब की फॉर्म होती है। हाँ, ये एडवाइस ऐसे लिखा जा सकता है, ADVISED, ये एडवाइस ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये याद रखना। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो एब्यूज, एब्यूज आपको पता है एब्यूज का अर्थ होता है गाली, लेकिन एब्यूजिस, एब्यूजिस का अर्थ क्या होता है? एब्यूजिस का अर्थ होता है कुप्रथाएं, मतलब बुरे रीति रिवाज एब्यूजिस होते हैं। इसी तरह मेनर, मेनर का अर्थ क्या होता है? मेनर होता है तरीका, मेनर का अर्थ होता है तरीका, लेकिन जब आप इसका प्लूरल बनाते हैं मेनर्स, तब इसका अर्थ होता है व्यवहार। इसी तरह QUARTER, क्वार्टर का अर्थ होता है 1/4 भाग, लेकिन आप इसका जब प्लूरल बनाते हैं क्वार्टर्स, तब इसका अर्थ होता है छोटा मकान, छोटा मकान, क्वार्टर्स का अर्थ होता है छोटा मकान। इसी तरह और अपने आगे बात करें तो वुड, वुड क्या होती है दोस्तों? वुड लकड़ी होती है, लकड़ी, और जब आप इसका प्लूरल बनाते हैं वुड्स, तब इसका अर्थ हो जाता है जंगल, वुड्स का अर्थ होता है जंगल। इसी तरह PAIN, पेन, पेन क्या होता है? दर्द, और जब अपने इसका प्लूरल बनाएंगे पेन्स, तब इसका अर्थ हो जाएगा प्रयास। और इसी तरह अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होती है? अल्फाबेट होती है वर्णमाला, अल्फाबेट होती है वर्णमाला, और जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, तब इसका अर्थ होता है दोस्तों भाषाएं, तब इसका अर्थ होगा भाषाएं। अब इस यहां पर हमने देखा कि सिंगुलर में अर्थ होता है वाटर, प्लूरल में बन गया वाटर्स, और हमारा ये फर्स्ट रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ अलग अलग होता है। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा, जहां पर मैं आपको इससे रिलेटेड काफी सारे नोट्स और PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट से नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आपको जोड़ना है, PRERNA, प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट, करियर इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम चैनल है। और मैंने जब आपको शुरुआत का एक वीडियो बनवाया था, मैंने आपको बनवाया था एयरफोर्स सिलेबस का डिस्कशन, आप देख लेना प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मैंने इस चैनल का लिंक भी दे रखा है। वैसे ये चैनल ज्वाइन करने से आपको PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग अर्थ होता है, यहाँ मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको उस PDF में मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का आता है इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है, यू शुड टेक, यू शुड टेक पेन फॉर योर स्टडी, यू शुड टेक पेन फॉर योर स्टडी और नो एरर, इस टाइप का मान लो क्वेश्चन है। ये है इसका ए पार्ट, ये है इसका बी पार्ट, ये है इसका सी पार्ट, और ये है डी, यू शुड टेक पेन फॉर योर स्टूडेंट्स।
फॉर योर स्टडी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेन लिखा है, पेन, और पेन का अर्थ क्या होता है, पेन का अर्थ है दर्द। और हम पढ़ाई के लिए दर्द नहीं ले सकते, पढ़ाई के लिए हम पेन्स प्रयास कर सकते हैं, तो यहाँ पर पेन नहीं पेन्स का प्रयोग होगा। इसी तरह जहाँ पर अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होगी वहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स लिखकर एरर कर देगा, जहाँ पर वाटर की ज़रूरत होगी वहाँ पर वाटर्स देकर एरर कर देगा। तो इस रूल से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जहाँ सिंगुलर की आवश्यकता है वहाँ एग्जामिनर आपको प्लूरल लिख के दे देगा, जहाँ प्लूरल की आवश्यकता है वहाँ सिंगुलर की आवश्यकता सिंगुलर लिख कर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे सेंटेंस में एरर होगी। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। ओके, सेकंड रूल। अब सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल में भी नंबर ऑफ नाउन की बात ही करेंगे वहां पर भी। तो क्या रूल है अगला, इस रूल को अपने जानते हैं। चलिए रूल नंबर टू की बात करते हैं दोस्तों। रूल नंबर टू क्या है, रूल नंबर टू ये कहता है कि कुछ नाउन जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ भी, है ना, ओ भी होता है, ओ का खैर अलग से भी रूल है तो उसको अपने वहीं देख लेंगे, जिस नाउन के लास्ट में ये अक्षर आ जाते हैं उनके साथ अपने ई एस जोड़ कर जो है प्लूरल बना सकते हैं। उनके लास्ट में ई एस जोड़कर अपने प्लूरल बना सकते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल है अपने पास BUS, बस, इसके लास्ट में एस आ रहा है। इसी तरह PASS, इसके लास्ट में डबल एस आ रहा है। इसी तरह BUSH, बुश, और इसी तरह WATCH, सी एच, और इसी तरह BOX, बॉक्स, एक्स आ रहा है, और इसी तरह QUIZ, इसके लास्ट में जेड आ रहा है। तो दोस्तों ये सब सिंगुलर हैं, इनका प्लूरल बनाना होगा तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है ई डबल एस जोड़ना है। जैसे बस है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा बसेस। जैसे पास है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पासिस। इसी तरह बुश है तो क्या हो जाएगा, बुशेस। इसी तरह वॉच है तो वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस। और इसी तरह बॉक्स है तो बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। और इसी तरह क्विज है तो क्विज का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्विज, ये प्लूरल हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, अपवाद का अपने को ध्यान रखना है, कुछ एक्सेप्शन है, या फिर हम कह सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग है एक्सेप्शन। तो क्या है, जैसे कि अपने ऐसे लिखते हैं वॉच, WATCH, वॉच लिखते हैं, और एक अपने लिखते हैं STOMACH, स्टमक, और एक अपने लिखते हैं MONARCH, मोनार्क। दोस्तों इसका प्रोनंसिएशन जो होता है वो होता है वॉच, और इसका प्रोनंसिएशन होता है स्टमक। कई लोग इसको स्टमच बोलते हैं लेकिन ये स्टमक होता है, और एक होता है मोनार्क। मोनार्क आपको पता है वॉच माने क्या होता है, वॉच तो होती है घड़ी, और स्टमक क्या होता है, स्टमक होता है पेट, और मोनार्क होता है सम्राट, कोई भी राजा जो होता है उसको सम्राट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि वॉच और स्टमक और मोनार्क, यहाँ पर जो ये सी एच है ना ये तो चे की साउंड दे रहा है, जबकि ये वाला सी एच के की साउंड दे रहा है, ये वाला सी एच भी के की साउंड दे रहा है। तो बस यही रूल छिपा है कि सी एच जो होता है वो कभी तो के की साउंड देता है और सी एच कभी चे की साउंड देता है। अगर ये के की साउंड देगा तो इसके साथ अपने को एस जोड़कर प्लूरल बनाना है, और अगर ये चे की साउंड देगा तो अपने को इसके साथ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना है। इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पर वॉच की, वॉच का प्लूरल क्या बनेगा, क्योंकि लास्ट में सी एच किसकी साउंड दे रहा है, चे की साउंड देगा तो क्या जोड़ना है, ई एस। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वॉच का प्लूरल हो जाएगा वॉचिस, ई एस जुड़ेगा, जबकि यहाँ पर सी एच के की साउंड दे रहा है तो प्लूरल क्या बनेगा, STOMACH, एस, यहाँ पर भी प्लूरल क्या बनेगा, STOMACH, एस, यहाँ पर भी इस तरह से बनेगा।
और इसी तरह एक एग्जांपल और है, ओ एक्स ओक्स। जैसे यहां पर हम पढ़ रहे थे कि एक्स है तो क्या जोड़ना है, ई एस, लेकिन ओ एक्स ओक्स ओक्स को जिसको हम बोलते हैं बैल, तो इसका अगर आप इस तरह से प्लूरल बनाओगे ओक्सिस तो ये गलत है दोस्तों। इसका सही प्लूरल बनेगा ओ एक्स ई एन, ओक्सन। ऑक्शन इसका सही प्लूरल होता है, ये एक्सेप्शन है, इसका आपने को ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारा हुआ नंबर ऑफ नाउन का रूल नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की, ठीक है? चलिए इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। कैनवास क्लियर हो गया। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं अब हम। रूल नंबर थर्ड क्या है? देखिए दोस्तों, रूल नंबर थर्ड भी बहुत अच्छा रूल है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ सिंगुलर नाउन लिखूंगा और फिर अपने इसको इसका प्लूरल बनाना है। सिंगुलर नाउन है और अपने इनका प्लूरल नाउन बताना होगा। सिंगुलर नाउन क्या है? जैसे सिंगुलर नाउन है सिलेबस, सिंगुलर नाउन है सिलेबस, सिंगुलर नाउन है जीनियस, सिंगुलर नाउन है रेडियस, सिंगुलर नाउन है मीडियम, सिंगुलर नाउन है जैसे बेसिस, सिंगुलर नाउन है इंडेक्स, सिंगुलर नाउन है फेनोमेनन, ठीक है? ये सब सिंगुलर है। अब इन सिंगुलर नाउन्स का अपने को प्लूरल बनाना है, क्योंकि हम नंबर ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं तो हम सिंगुलर एंड प्लूरल की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हमें कैसे बनाना है, इसके लिए आपको एक रूल को समझना पड़ेगा। दोस्तों रूल क्या है? रूल ये है कि इन नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाए। तो आपको याद रखना है, जिस नाउन, जो नाउन सिंगुलर हो और उसके लास्ट में यूएस आ जाए और आप उसका प्लूरल बनाना चाहें, तो इस यूएस को आपको हटाना होगा, इसके स्थान पर क्या लिखना होगा, आई। और अगर यूएम आ जाए तो इस यूएम को भी हटाना होगा, इसके स्थान पर लिखना होगा ए। और अगर आई एस आ रहा है तो इस आई एस को भी हटाना है और इसके स्थान पर लिखना है ई एस। इसी तरह ई एक्स है तो इसको भी हटाना है, इसके स्थान पर लिखना है आई सी ई एस। और इसी तरह अगर ओ एन आ रहा है तो इसको भी हटाना है, इसके स्थान पर लिखना है ए। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, यूएस, यूएस लास्ट में आता है तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और इसके स्थान पर आई लिखते हैं। तो इसका प्लूरल क्या बना, एस वाई डबल एल ए बी। अब यूएस तो हट गया, ये हट गया इतना, इसके स्थान पर क्या आया, सिलेबी, ये इसका प्लूरल हो गया। इसी तरह यूएस है तो इसको हटा दिया हमने, तो प्लूरल क्या बनेगा, जेनी। एक आई तो इसके साथ है, एक इसके हटने से आया तो ये जेनी प्लूरल हो गया। इसी तरह रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडी आई, रेडी आई हो गया। इसी तरह मीडियम, यूएम को हटाकर क्या करना होता है, देखो यहाँ पर ए तो ये बन जाएगा मीडिया, ये इसका प्लूरल हो गया। आई एस को हटाकर क्या करना होता है, ई एस, तो यहाँ पर प्लूरल क्या बनेगा, बी ए एस, ईएस, बेसिस। ई एक्स को हटाकर क्या करना पड़ता है, आई सी ई एस, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, आई एन डी आई सी ई एस, इंडिसिस। और ओ एन को हटाकर क्या करना होता है, ए, तो ये क्या बन जाएगा, फेनोमेना, फेनोमेना, ये इसका प्लूरल बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी इसका प्लूरल होता है, एस वाई डबल एल ए बी यू एस ई एस, ये भी प्रचलित है। और इसका ये भी है, जी ई एन आई यू एस ई एस। बस इस जेनी का अर्थ होता है भूतनी या प्रेतनी और इसका अर्थ होता है प्रतिभाशाली, ऐसे भी प्लूरल बना सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन हैं जिनको अपने को याद रखना है। कुछ एक्सेप्शन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ आपको पीडीएफ में मिलेंगे। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मतलब कुछ अपवाद की बात करेंगे अपने यहाँ पर। जैसे कि देखो म्यूजियम, एक वर्ड है म्यूजियम, संग्रहालय जिसको बोलते हैं। जैसे प्रीमियम, प्रीमियम एलआईसी की जो किस्त होती है प्रीमियम एक टाइप का। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम घड़ी का पेंडुलम। जैसे होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अब देखो इन सब के लास्ट में यूएम 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 आ रहा है,
तो अपने प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में यूएम है तो क्या करना होता है, ए। लेकिन यहाँ दोस्तों ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पर अपने को ऐसे बनाना है म्यूजियम्स, सिर्फ एस ऐड करना है। इसमें प्रीमियम में क्या हो जाएगा, प्रीमियम्स, इसमें क्या हो जाएगा, पेंडुलम्स, पेंडुलम्स, इसमें क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम्स, पेट्रोलियम्स, एस जुड़ जाएगा। ये इसके दोस्तों एक्सेप्शन है, ये हमारा रूल नंबर थर्ड था। तो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर ऑफ नाउन, जहाँ पर हम किस, यहाँ पर जो है हम एकवचन और बहुवचन यानी कि नंबर ऑफ नाउन की बात कर रहे हैं। तीन रूल हो चुके हैं, चौथे रूल की बात करते हैं। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छे लगे, क्लास आपको ठीक लगे, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लगे तो दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश आपकी समस्या है तो दोस्तों निश्चित रूप से वो नहीं रहेगी। अगर आप ध्यान से सारी क्लासें सुनेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ ही आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ मिलते रहेंगे। टेस्ट वगैरह जो हमें लेना होगा वो उस अपने टेलीग्राम चैनल पर ही लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। आप अब हमारा नेक्स्ट का रूल है नंबर ऑफ नाउन में। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है इसकी बात करते हैं दोस्तों। अब हमारा रूल ये है कि मान लो किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आ जाए और अपने उस नाउन का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो अपने को इसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह वी ई एस लिखना पड़ेगा तो अपना ये नाउन प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि सिंगुलर नाउन है, जैसे कि अपने पास ये सिंगुलर नाउन है और अपने इसका प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं। अपने पास सिंगुलर नाउन क्या है, वाइफ, WIFE, और इसके लास्ट में आ रहा है एफ ई। प्लूरल बनाना है तो एफ ई को हटाना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, वाइव्स, पत्नियां। इसी तरह KNIFE, नाइफ, नाइफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, KNIVES, ये इसका प्लूरल बन गया। नाइफ का क्या बन गया, नाइफ्स। इसी तरह वोल्फ है, WOLF, तो इसका क्या बन जाएगा, वोल्फ्स, वोल्फ का वोल्फ्स। इसी तरह हाफ है तो हाफ का क्या बन जाएगा, हाफ्स, हाफ का क्या बन जाएगा, HALF, इसका क्या प्लूरल बन जाएगा, HALVES। इसी तरह मान लो थीफ है, थीफ चोर होता है, THIEF, थीफ का क्या प्लूरल बन जाएगा, THIEVES, थीव्स हो गया। ओके, और यहाँ पर जैसे एक्सेप्शन की भी बात होगी, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, उन एक्सेप्शन पे भी अपने को ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वर्ड जिसके लास्ट में एफ और एफ ई आ जाए अपने उसको VES से प्लूरल बना दें। कुछ अपवाद भी हैं, उनका अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों रूफ, ROOF, रूफ, रूफ होती है छत, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा रूफ से। इसी तरह एक वर्ड होता है चीफ, और चीफ का प्लूरल क्या बनेगा, CHIEFS। इसी तरह ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ का अर्थ होता है दोस्तों दुख, ग्रीफ का अर्थ क्या होता है, दुख, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, ग्रीफ्स। इसी तरह ड्वार्फ, एक वर्ड होता है DWARF, ड्वार्फ होता है छोटे कद का यानी कि बोना, तो प्लूरल क्या बनेगा इसका, ड्वार्फ्स। ओके, इसी तरह बिलीफ, BELIEF, बिलीफ, विश्वास होता है दोस्तों, इसका प्लूरल क्या बनेगा, BELIEFS। इसी तरह हूफ, सेफ, सेफ का सेफ्स हो जाएगा, SAFE, सेफ, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा SAFES। दोस्तों ये इसके एक्सेप्शन है इस रूल के। रूल क्या है कि जिस नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई हो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, VES। ऐसा ही एक रूल और देखते हैं। अगला हमारा रूल ये है कि किसी नाउन के लास्ट में मान लो वाई आ जाए
तो सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई आ जाए, तो अपने अगर उस नाउन का प्लूरल बनाना है तो वाई को हटाना है, क्या जोड़ना है, आई ई एस, आई ई एस जोड़ देंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगी। जैसे मान लो सिंगुलर नाउन है अपने पास कॉपी, है ना, तो प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपीज, कॉपीज बन जाएगा। और इसी तरह मान लो अपने पास वर्ड है ड्यूटी, तो क्या बन जाएगा, डी यू टी आई ई एस, ड्यूटीज। इसी तरह हमारे पास वर्ड है ब्यूटी, ब्यूटी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीज, प्लूरल बन गया। पर दोस्तों यहाँ पर ये फंडा है कि वाई के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। देखो यहाँ पर वाई के साथ क्या है कि वाई से पहले क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर वाई से पहले वोवल है, मतलब ए ई आई ओ यू, इनमें से कुछ है, जब तो आपको एस जोड़ कर प्लूरल बनाना है, और वाई से पहले अगर इन पांच के अलावा यानी कि कोई सा भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर अपने को वाई को हटाना है और क्या लगाना है, आई ई एस। यहाँ पर सभी एग्जाम्पल में देखिए वाई से पहले पी कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने वाई को हटाया था और आई ई एस लगाया। यहाँ पर वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ड्यूटीज कर दिया, यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन वोवल हुआ, जैसे कि ये इस रूल की बात करें, अगर वोवल हुआ वाई से पहले तब अपने को वाई को नहीं हटाना है, केवल एस जोड़ना है। जैसे कि देखो सिंगुलर नाउन है बॉय, लास्ट में वाई है उससे पहले वोवल है, तो प्लूरल बनाना है तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे बॉयस। और इसी तरह जॉय, जॉय का क्या हो जाएगा, जॉयस। इसी तरह टॉय, टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयस। ये इस तरह से इसका प्लूरल बन जाएगा। डे, डे का क्या हो जाएगा, डेज। इस तरह से ये इसका प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने को ये रूल याद रखना है कि एफ और एफ और एफ ई आता है तो उसको वी ई एस करना है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी है। और वाई वाला रूल ये है कि वाई से पहले अगर वोवल आएगा तब तो अपने उसको उसके साथ एस जोड़ देंगे, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर वाई को हटाकर अपने आई ई एस जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये प्लूरल बन जाएगा। दोस्तों नंबर ऑफ नाउन के कुछ एक रूल हमने अभी देखे हैं और कुछ एक रूल और आगे देखने हैं हमें। अगले एक रूल की और बात करते हैं अपने। अगला रूल क्या है दोस्तों, अगला रूल ये है कि अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ आ जाए, किसी नाउन के लास्ट में क्या आ जाए, ओ आ जाए, और उससे पहले अगर वोवल है, उससे पहले अगर वोवल है, वोवल मतलब ए ई आई ओ यू, तो आपको इसके साथ क्या जोड़ना है, आपको इसके साथ जोड़ना है एस। एस जोड़ते ही ये नाउन बन जाएगी प्लूरल। लेकिन ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट्स है तो फिर अपने को क्या करना है, इसके साथ ई एस जोड़ना है। ई एस जोड़ेंगे तो ये नाउन क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन देखते हैं। जैसे हमारे पास सिंगुलर नाउन है और हमें इसकी प्लूरल नाउन बनानी है, तो सिंगुलर नाउन है जैसे हमारे पास सी यू सी के डबल ओ, कुकू, एक टाइप का पक्षी होता है, तो लास्ट में ओ आ रहा है उससे पहले वोवल है तो हम क्या जोड़ेंगे, एस, तो ये बन जाएगा कुकूज। इसी तरह दोस्तों बेम्बोस, बेम्बो क्या होता है, बेम्बो बांस को कहा जाता है, लास्ट में ओ है उससे पहले ओ वोवल है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, वोवल, बेम्बूस। इसी तरह स्टूडियो होता है, स्टूडियो, तो यहाँ पर भी लास्ट में ओ है उससे पहले वोवल है तो ये क्या बन जाएगा, स्टूडियोज। ठीक है, इसी तरह रेडियो का क्या बन जाएगा, रेडियोज, रेडियो का बन गया रेडियोज। लेकिन ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तब क्या किया जाता है, तब देखिए यहाँ पर मान लो कि अपने पास वर्ड है मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, ये सिंगुलर है, अपने को प्लूरल बनाना है तो लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो अपने को ई एस जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैंगोस। इसी तरह हमारे पास वर्ड है टोमेटो, तो टोमेटो का क्या हो जाएगा, टोमेटोस, ई एस जुड़ेगा। इसी तरह पोटेटो, पोटेटो है तो ये क्या जुड़ जाएगा, पोटेटोस, पोटेटोज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, इनका अपने को ध्यान रखना होगा। एक्सेप्शन क्या है
कि जैसे फोटो, वर्ड है फोटो, हालांकि लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, जुड़ना तो ई एस चाहिए था, लेकिन यहां पर जुड़ेगा एस, फोटोज। इसी तरह एक वर्ड होता है पियानो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो पियानो का क्या हो जाएगा, पियानोज। इसी तरह कैंटो, कैंटो का अर्थ होता है अंक, तो ये हो जाएगा कैंटोस, ये इसका प्लूरल बनेगा। तो दोस्तों यहां पर हमने नंबर ऑफ नाउन के कुछ रूल पढ़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ नाउन टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके एक दो पार्ट और बनेंगे। फिर हम ये नाउन कंप्लीट होने के बाद नाउन से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, नाउन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन के अपने एमसीक्यू की एक सीरीज बनाएंगे, वहां पर अपने डिस्कस करेंगे। तो नाउन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, अभी तो हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन के टाइप पढ़े हैं, केस ऑफ नाउन पढ़ा है, जेंडर ऑफ नाउन पढ़ा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो सारे पार्ट वाइज बने हुए वीडियो, आप वहां पर वीडियो को देख सकते हैं। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर ऑफ नाउन, ये इसका पहला पार्ट था नंबर ऑफ नाउन का, वैसे नाउन का फिफ्थ पार्ट, ये वीडियो फिफ्थ नंबर का है, लेकिन अभी नंबर ऑफ नाउन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे एक दो पार्ट और बनेंगे और आप कंटिन्यू इनको देखते रहें। आपका इंग्लिश ग्रामर का संपूर्ण कोर्स मैं यहाँ पर कराऊंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।